आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम याद करेंगे एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अभिनेत्री के रूप में अपनी एक जगह बनाई, लेकिन खास तौर से वो एक खलनायिका के रूप में और बाद में चरित्र अभिनेत्री के रूप में हम सभी के दिल पर राज करती रही। हम बात करेंगे अभिनेत्री नादिरा की। मुड़ मुड़ के न देख गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री नादिरा। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के ये गाना आपने श्री 420 फिल्म में सुना होगा, अगर आपने फिल्म देखी हो, नहीं तो आपने कभी न कभी ये गाना जरूर सुना होगा। और जब भी आपने ये गाना सुना होगा आपको नादिरा की याद आई होगी। नादिरा जिन्होंने अभिनेत्री के रूप में अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत तो की, लेकिन इसके बाद वो एक खलनायिका के रूप में पर्दे पर नजर आई। और खलनायिका के रूप में भी उनका जो एक किरदार हुआ करता था वो एक अलग तरह की शख्सियत लिए हुआ करता था। हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड की जो खलनायिकाएं थी या है या आगे आपको देखने को मिलेंगी, इन सबसे बिल्कुल एक अलग तरह का नादिरा का किरदार हुआ करता था। उनकी शख्सियत ही एक अलग तरह की हुआ करती थी और इसीलिए नादिरा ने हर दिल में एक अलग जगह बनाई, अपना एक अलग मकाम हासिल किया। तुझे खो दिया हमने पाने के बाद तेरी। नादिरा ने आन फिल्म की थी दिलीप कुमार के साथ और इस फिल्म में जो उनका अभिनय था इसको बहुत सराहना मिली। हालांकि बाद में वो फिल्मी पर्दे पर नायिका के रूप में नजर बहुत कम आई, लेकिन आन फिल्म जब आई थी तो इस फिल्म में नादिरा के किरदार को 1952 में फिल्म आई थी बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के जितने गाने थे वो गाने भी बहुत ही मशहूर हुए थे। इसके अलावा बल्ला सहनी के साथ आकाश फिल्म भी उसी जमाने में आई थी, यानी 1952 के आसपास आई थी, उसमें भी उनका किरदार बहुत पसंद किया गया। मोतीलाल ने फिल्म बनाई थी छोटी छोटी बातें, 1965 में फिल्म आई थी और इस फिल्म में भी वो एक अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी मोतीलाल के साथ। इसके अलावा वो हाँ दिल अपना और प्रीत पराई ये फिल्म मीना कुमारी की थी, लेकिन इसमें भी नादिरा का एक अलग तरह का किरदार था। और हाँ अगर हम नायिका के रूप में नादिरा की बात करें तो आन और आन के बाद अगले साल यानी 1953 में अशोक कुमार के साथ फिल्म आई नगमा। ये नगमा फिल्म भी बहुत मशहूर हुई। यानी अगर हम अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री के रूप में ये दो फिल्में उनकी बहुत मशहूर फिल्में मानी गई, एक आन फिल्म दिलीप कुमार के साथ और दूसरी नगमा ये फिल्म जो उन्होंने की अशोक कुमार के साथ। इसके अलावा उन्होंने तलत महमूद के साथ भी फिल्में की और हाँ नासिर खान जो दिलीप कुमार के भाई हुआ करते थे उनके साथ भी उन्होंने फिल्म की। आइए नादिरा का एक और गाना, बहुत ही मशहूर गाना हम आपको सुनवाएं और इस गाने को जब आप सुनेंगे तो नादिरा का जो किरदार है वो भी आपको समझ में आएगा। नादिरा ने जो अपनी जिद थी वो पूरी की, जमाना कुछ भी कहता रहे, जमाने की परवाह नहीं की उन्होंने। यही तो उनकी खासियत थी। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे, देखे मैं बात जमाने की मानू या बात सुनू अपने दिल की। एक और गाना सुनाते हैं नादिरा की फिल्म का और ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ था। मेरे मजबूर दिल को न बहुत बेकरार, यूं न तड़प रात दिन, यूं न मचल बार बार, ऐ मेरे मजबूर दिल। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नादिरा की, जिनका जन्म हुआ 5 दिसंबर 1932 को। वो एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने ज्यादातर खलनायिका की भूमिकाएं की और हम कह सकते हैं कि अगर हम याद करें नादिरा को तो नादिरा को नेगेटिव रोल के लिए ही उन्हें याद किया जाता रहा है। और महबूब खान की फिल्म आन जिसका गाना हमने आपको सुनाया, जिसका जिक्र भी हमने किया 1952 में, इस फिल्म से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और पहली फिल्म उन्होंने की
दिलीप कुमार के साथ, और इस फिल्म में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वो पहचान आज भी कायम है। और आन फिल्म के साथ उनका करियर फिर आगे बढ़ा, लेकिन इसके बाद वो शोहरत के आसमान पर तो पहुंची, लेकिन एक खलनायिका के रूप में, नेगेटिव रोल के रूप में, या फिर उनकी बाद की फिल्में जूली, सागर, तमन्ना जैसी फिल्में, पाकिजा जैसी फिल्में की उन्होंने दिल अपना और प्रीत पराई, ये फिल्म भी बहुत बहुत मशहूर हुई थी। इस फिल्म में मीरा कुमारी उनके साथ थी और इस फिल्म में जो उनका किरदार था उसे बहुत पसंद किया गया। ये गाना भले ही मीरा कुमारी गा रही है फिल्म में पर्दे पर, लेकिन इसका इशारा बहुत कुछ नादिरा की तरफ है। नादिरा का इसराइल में जन्म हुआ था। इनका नाम था फरहत एजकल नादिरा। 5 दिसंबर 1932 को जन्म हुआ और 9 फरवरी 2006 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई थी और खूबसूरत खलनायिका के रूप में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। और एक बड़ी खास बात ये थी, नादिरा के व्यक्तित्व में बड़ा ही आत्मविश्वास झलकता था। वो जब भी पर्दे पर आती थी, जैसा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया, कि वो दूसरी खलनायिकाओं से बिल्कुल अलग हुआ करती थी, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा एक आत्मविश्वास था। और जो पहली फिल्म उन्होंने आन की थी दिलीप कुमार के साथ, उस फिल्म में भी उनका जो किरदार था वो तो था ही इस तरह का, लेकिन उन्होंने इस किरदार को ऐसे निभाया था कि जैसे वो एक रानी के रूप में, महारानी के रूप में, एक जो गुरूर था वो उनके व्यक्तित्व से झलकता था। और इसीलिए अभिनेत्री नादिरा फिल्मों में बिल्कुल अलग अलग नजर आए। आग लगी तन मन में, दिल को पड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का। नादिरा के बचपन की बात करें हम, तो उनका जो बचपन भी था, उनकी जो परवरिश हुई वो एक लड़के की तरह हुई। वो अपनी गली में लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी, गिल्ली डंडा खेला करती थी, और ये खेल उन्हें बहुत पसंद भी हुआ करते थे। और उनका स्वभाव भी ऐसा था कि वो बिल्कुल शरारती स्वभाव लड़कों की तरह, और हुड़दंग भी वो बहुत बहुत किया करती थी, और अपनी महिला मित्रों के साथ, पुरुषों के साथ बहुत बहुत गपशप किया करती थी। ये उनका बचपन था और इसीलिए उनके व्यक्तित्व में भी एक ऐसा ही, जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्वाभिमानीपन, एक अभिमानीपन, या हम ये कह सकते हैं एक ठहराव, एक स्वाभिमान, वो था उनके जीवन में। हिंदी फिल्मों में नादिरा ने 5 दशक लंबे सफर तक अभिनय किया। अनेक फिल्मों में उन्होंने काम किया, नायिका के रूप में, खलनायिका के रूप में चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने निभाई। ऐसी अभिनेत्री नादिरा। बड़ी मुश्किल से दिल की अभिनेत्री नादिरा। अगर हम उनकी एक सबसे बेहतरीन फिल्म आन की बात करें, तो आन फिल्म में जो उनका अभिनय था, जो उनका किरदार था, एक राजकुमारी का किरदार था। राजकुमारी राजश्री के रोल में थी वो। और हम आपको बता दें कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो जरूर हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि आन फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो किरदार था नादिरा का, इस किरदार के लिए पहले नरगिस का चयन हुआ था। आप सोचिए, इस किरदार के लिए नरगिस होती तो उनका रोल कैसा होता, लेकिन किस्मत थी नादिरा की। और नादिरा को, क्योंकि ये फिल्म महबूब खान को जल्दी पूरी करनी थी और नरगिस के पास उस समय तारीख इतनी नहीं थी कि वो फिल्म को ज्यादा समय दे पाती, और इसलिए जब नरगिस ने दुविधा जताई तो वो रोल मिल गया नादिरा को। और हाँ, ये भी बता दें कि उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा उसी समय साइन की थी, उसी समय आवारा फिल्म चल रही थी। ये भी बात रही होगी, या वक्त की कमी तो थी ही, महबूब खान उन्होंने नादिरा को लिया, और नादिरा ने, यानी फरहत, जिनका नाम हमने आपको बताया, उनका जो नाम था वो फरहत था, फरहत एजकेल नादिरा, इजराइल की वो पैदाइश थी। और फिर उन्होंने, यानी फरहत ने, नादिरा ने आन फिल्म की, और आन फिल्म में जो उन्होंने एक किरदार निभाया और दिलीप कुमार के अपोजिट में जो वो आई, तो सचमुच में एक ऐसा उन्होंने इतिहास रच दिया। क्योंकि आन फिल्म का जब भी जिक्र होगा, नादिरा का जिक्र होगा, और नादिरा पर फिल्माए गए उन गानों का जिक्र होगा, और इस तरह से वो रातों रात बन गई स्टार।
कलाकार, लेकिन हाँ उन्होंने और भी कलाकारों के साथ काम किया। और एक फिल्म का जिक्र हम और करना चाहेंगे, बल्लाल साहनी के साथ वो फिल्म आई थी, और आकाश फिल्म का जिक्र हम करेंगे। और इस फिल्म में भी उनका किरदार थोड़ा सा अलग था और उसमें भी उन्होंने बलराज साहनी के साथ अभिनय किया था। आप समझ सकते हैं कि वो अभिनय कितना सशक्त रहा होगा। नादरा ने उस समय की तिकड़ी यानी दिलीप कुमार के साथ आन फिल्म की, राज कपूर के साथ श्री 420 और देवानंद के साथ उन्होंने पॉकेट मार फिल्म में काम किया। जैसा कि हमने बताया कि अशोक कुमार के साथ उन्होंने नगमा फिल्म की, इसके अलावा शम्मी कपूर के साथ सिपह सालार फिल्म आई थी, प्रदीप कुमार के साथ पुलिस फिल्म में रोल किया और भारत भूषण के साथ 11,000 लड़कियां फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया। इसके अलावा उन्होंने गायक अभिनेता तलत महमूद के साथ भी दो फिल्में की, एक वारिस फिल्म आई थी और एक डाक बाबू। ये फिल्में भी बहुत मशहूर हुई थी और हम कह सकते हैं कि तलत की आवाज ने तो लोगों को दीवाना बना ही रखा था, साथ ही साथ नादिरा के अभिनय ने भी लोगों को दीवाना बना दिया। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोश आई थी, वो नादिरा की आखिरी फिल्म थी। जूली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था और उसमें उन्होंने जूली की माँ मार्गरेट का किरदार निभाया था। नादिरा के ज्यादातर रिश्तेदार इसराइल चले गए जीवन के आखिरी दिनों में, वो बिल्कुल अकेली रह गईं। और सुनते हैं कि आखिरी जो उनके जीवन के 3 साल थे वो तो बहुत ही अकेलेपन में गुजरे, उन्होंने अपने घर में अपने आप को कैद सा कर लिया था। शराब भी बहुत पीने लगी थी, शरीर कमजोर हो गया, कई तरह की बीमारियां हो गई और फिर 9 फरवरी 2006 को 74 साल की उम्र में हम सबसे वो विदा हो गई। नादिरा एक ऐसी अभिनेत्री जिनके जैसा शायद ही कोई दूसरा हो, वो एक ऐसी खलनायिका रही, एक ऐसी व्यक्तित्व की मालिका रही जिसके बारे में फिल्म के लोग पर्दे पर भी उन्होंने देखा होगा या फिर व्यक्तिगत जीवन में भी। अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे एक बार फिर नादिरा को भावभीनी श्रद्धांजलि, और अब हम आपको वो गाना सुनाते हैं जो दिलीप कुमार ने गाया आन फिल्म के लिए, बहुत ही मशहूर ये गीत। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।